फिलहाल राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एसीबी की बड़ी कार्रवाई। राजधानी जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी जयपुर में विद्याधर थाना इलाके में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, विद्याधर नगर थाने में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एएसआई को ट्रैप किया है एसीबी ने, तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई। एएसआई ने 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, जहां 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एसीबी ने दबोच लिया है। एसीबी के एक दलाल को भी इस संबंध में गिरफ्तार किया है। एसीबी डीजीबीएल सोनी के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाइयों का जो दौर है वो जारी है, और ऐसी ही कार्रवाई विद्याधर नगर थाने में हुई है। अधिक अपडेट के साथ में सहयोगी यादवेंद्र इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से एएसआई को धरा गया है, क्या पूरी अपडेट? बिल्कुल, जैसी देखिए आज एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया है, और एक पुलिस महकमे के अंदर जो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, जो पनपा हुआ है, वह एक बार फिर से उजागर हुआ है। जब विद्याधरनगर थाने के एक एएसआई है और उसके साथ में जो दलाल है, इन दोनों को यहाँ पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। यह जो रिश्वत है फिलहाल किस पूरे मामले को लेकर के ली गई थी, ये फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन फिलहाल एसपी की जो कार्रवाई है विद्याधरनगर थाने के अंदर चल रही है, और 1 लाख रुपए की रिश्वत की जो रकम थी वो यहाँ पर एसीबी की टीम है इस एएसआई से बरामद की है। साथ में जो दलाल था जिसके मार्फत ये राशि ली थी उसको भी यहाँ पर रंगे हाथों दबोचा है। इतना ही नहीं, जो रिश्वत की राशि की जो डिमांड जो थी वो एसआई की ओर से जो की गई थी वो 5 लाख रुपए की थी, लेकिन जब मामला सेटल बैठा तो 1 लाख रुपए के ऊपर जा करके बैठा। फिलहाल यहाँ पर जो एसीबी जो डीजी है जेल सोनी, उसके निर्देशन में यहाँ पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये जो मामला था उसमें किस प्रकार की जो परिवादी को यहाँ पर रुकावट पैदा की जा रही थी, और उसके अंदर थाना अधिकारी की कितनी बड़ी भूमिका थी। इन सब चीजों को लेकर के फिलहाल है जो एसीबी की टीम है वो इस एएसआई से पूछताछ कर रही है। बिल्कुल जी, चलिए यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।